म्यूजिक बारी है। म्यूजिक जो है हमने ये यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए, इसलिए ये कॉपीराइट फ्री को हमने रीनेम दबा के इसको कॉपी करना है इसी म्यूजिक को, ताकि हम भूल ना जाए हो। जैसे मैंने पेज बंद कर दिया था, तो हम इधर जी जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके यूट्यूब खोलेंगे। यहाँ से हम उसी को कॉपी पेस्ट करके कंट्रोल वी करके तो हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद ये जी हमने ये किया था, हम इसको क्लिक करेंगे और इनको भी पैसे कमाने हैं, ऐड नहीं कमाने देंगे भाई हम आज इन तो। अच्छा जी, यहाँ से हम ये उठाएंगे जो ये डाटा है, लिंक भी खराब आ रहा है लेकिन चले अभी के लिए तो उठाए हम उसको। अब इसकी इतनी डाटा ही दे देंगे ना कि जी ये गाना है, फलान है, प्रोड्यूस किया है, यही पड़ा होता है। इसमें हमने म्यूजिक सेक्शन के अंदर जाना है और जो म्यूजिक आप उठा रहे हैं वो थे, क्योंकि म्यूजिक देना बहुत जरूरी है। म्यूजिक के बगैर ना आपकी वीडियो लगती है, जहाँ पे आप चुप कर देंगे वहां पे म्यूजिक आपका काम। जिस तरह मैंने वीडियो बना के दिखाई है, तो अब ये मैं लिंक डिलीट कर दूंगा, लेकिन जब को कल को मैं इसको अप्रूव करा लूंगा, वेरीफाई करा लूंगा, तो ये मुझे लिंक लगाने की इजाजत देगा। चलें ये हो गया। अब जी अब अगला पार्ट है कि थंबनेल। अब थंबनेल जो है ना वो मैं आपको सिखाऊंगा अभी बनाना। अच्छा जी, अगला पार्ट है कि जी नो इट्स नॉट वेट फॉर किड, ये सिलेक्ट करना है वरना नीचे कमेंट सेक्शन आपका बंद हो जाएगा। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन नहीं आएगा और ये फिर वीडियो है ना बच्चों को ज़्यादा दिखाई जाएगी, तो अभी हम उस स्टेज में ना जाए, हम चाहते हैं सारे ये देखें। तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली चैप्टर्स खुद ही बना लेगा आपके की मूवमेंट्स, ये नहीं बनाने तो वो आप कलेक्ट करके आप अपना खुद ही काट सकते हैं, डाटा के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर डालना पड़ता है, लेकिन वो बहुत लंबा काम है। वो आप तब करें जब आप बहुत हाई लेवल पे चले गए हैं, या जब आपने आके बंदे रखे हों जो आपकी वीडियो एडिट करके थे और सारा कुछ तैयार कर। उसके बाद ये ऑटोमेटिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये नया पार्ट है जी, उसके फेमिलियर टर्म्स या उस तरह की चीज़ों को बताएंगे। उसके बाद जी मेन चीज़ और आ गई है, और जिसमें मैं आपको अपना राज फाश करके दिखाऊंगा, वो है टैक्स। ठीक है, टैक्स का क्या है, यहाँ पे फैक्टर है, हम दबाएंगे और यहाँ पे हम कीवर्ड इंस्पेक्ट करेंगे। ये विंड आई क्यू क्या स्पेशल आती है, वरना आप जाके किसी तरह भी कहीं से भी सर्च कर सकते हैं, ये ऑनलाइन सर्च हो जाता है। विंड आई क्यू का फायदा है कि यहाँ पे ये मुझे नंबरिंग बता देता है। अगर तो ये 30 से अबव है तो फिर ठीक है, अगर 30 से बिलो है फिर ये ठीक नहीं है। तो मैं 30 से बिलो वगैरह को सिलेक्ट कर लूँगा, अब सॉरी 30 से ऊपर वालों को मैं सिलेक्ट कर लूँगा वहाँ से, तो ये वहां पे ऐड हो जा रहे हैं। तो मैं लिखूंगा टूअर, तो ये थोड़ा बहुत दिमाग लाना था, 30 से ऊपर है तो मैं उठा लूंगा, इसको बैठा लेते हैं, तो बैठा लेते हैं, देखा लूंगा। और क्या रिलेटेड वर्ड होता है, ट्रैवल पूरा हो गया। तो ये जी वीडियोस आई होती हैं ट्रेंडिंग वीडियोस, ये आप यही कीवर्ड को YouTube पे लिखे हैं तो ये वीडियोस आ जाती हैं, आप इनके भी जाके टैग्स को उठा सकती हैं, इनकी डिस्क्रिप्शन में होगा या इनके इनके होता है, तो आप ये जाके ना इनके हैश टैग्स उठा सकते हैं। तो हमने ये जैसे डेजर्ट सफारी है ये उठा लेते हैं हम, और ट्रैवल से रिलेटेड चीज़ें उठानी है हमने तो ये हम सारी उठा सकते हैं, और कुछ है नहीं कोई खासा इसमें। ट्रैवलिंग पे मैंने आपको कहा बिल्कुल न्यू नीश है, तो इस पे काम करना आसान है, इतने लोग काम नहीं कर रहे, तो इसमें यह है कि आपकी यूनिकनेस हो जाएगी। और फेसलेस यूट्यूब में आप ये बना देते हैं, कुछ लोग देखना भी नहीं चाह रहे होते कि किधर जा रहा है कोई ना कोई, लेकिन फिर भी उठा लेते हैं। अब इधर देखते हैं, इधर कोई चीज़ ऐसी हमें मिल जाए। तो ये कीवर्ड्स आपने खुद जनरेट करने अपने दिमाग से, कि अगर आपकी इस वीडियो को कोई देखेगा तो वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, क्या देख के वो आपकी इस वीडियो को सिलेक्ट करेगा, ये आपका बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपने अपनी वीडियो खोली है तो उसको किस सेंस में खोलेंगे, क्या देख के खोलेंगे। चलिए, इसके अलावा जी हम लिखते हैं ट्रिप। ट्रिप लोग उसको कहते हैं ट्रैवलिंग का, कि 34 है ये भी ठीक है, 30 से ऊपर ये नहीं हम लेंगे क्योंकि 24 है, 30 से नीचे ये भी ठीक है। बाकी इधर भी एक नज़र मान लेते हैं, एरोप्लेन्स भी आ सकते हैं आप यहाँ, इसको भी सर्च करते हैं। इसमें ये
कुछ समझ नहीं आ रही। तो ये बड़ा एक थोड़ा सा ये काम है कीवर्ड्स वाला, ये जरूरी होता है। ये टैग्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। ये देख लेते हैं। अच्छा जी, अब एरोप्लेन हमारे रेन में आया था, तो जी हम टिकट लिखते हैं एरोप्लेन के साथ में। जी टिकट्स आ गई, ये नीचे ये नहीं डालने का फायदा, आर्किड हमारे काम की चीज नहीं है। गलत छोड़ लिखते हैं, देखते हैं हम। एयरलाइन टिकट्स लिख देते हैं, ये में 24 पे हैं। हाउ टू बुक ये उठा लेते हैं हम। हाउ टू बुक जीप तक जो देख रहा हो उसको, ये सारी बात वो जाने के लिए देख रहा, तो हम ये उठा लेते हैं। जीप फ्लाइट्स एयरलाइन टिकट, यानी कि रिलेटेड आपके उस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें हों। के बाद जी आप सर्च करें टॉप 10, इसमें क्या आता है, अगर आपसे रिलेटेड आ रहा है तो आप उठा लें, टॉप 10 को कर लें, ताकि आप सिलेक्शन में आ जाएंगे। मोस्ट अमेजिंग टॉप 10 में भी आ गए, वो मैं टॉप 10 बता रहा हूँ। टॉप 10 स्केरी नहीं चाहिए हमें, ये नहीं हमें चाहिए। इसमें देख लें कोई टॉप 10 स्मैक डाउन, ये नहीं, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। अच्छा जी, इसके अलावा आप सर्च कर लें टूरिस्ट को, सर्च कर लें टूरिस्ट, ये भी 30 से ऊपर ये उठा लेते हैं। टूरिस्ट म्यूजिक भी, म्यूजिक टूरिस्ट ये उठा लेते हैं, 30 से ऊपर वाला उठाना है। नाइट ये भी उठा लेते हैं, चलेंगे। और इसके अलावा आप इसमें क्या और डाल सकते हैं, हम इसमें मेरे ख्याल से काफ़ी है सर्च वॉल्यूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 30 से ऊपर है, ठीक है। ये हम कितने पे अभी 267 पे हैं, हमें और चाहिए। फिर अब आपने ना फिलिंग वाले टैग्स जो है ना वो डालने हैं, फिलिंग वाले टैग्स हों जो इसको फुल करें, क्योंकि 500 तक की इजाज़त है तो हम करेंगे। अब इसमें हम ट्रैवल एजेंट लिख देते हैं, एजेंट भी आते हैं ना जिसका, तो लोग सर्च कर रहे होते हैं, तो ये हाउ टू बी ट्रैवल एजेंट, ट्रैवल एजेंट टिप्स, ट्रैवल एजेंट मार्केटिंग, ये हम सारा डाल दिया हमने। ये सारे 30 दिखा, इनके कम रेटिंग है, ओवरऑल स्कोर भी ज़्यादा है इनका। टूर एजेंट भी आ गया जी, टूर एजेंट भी हमने डाल के देखा, ट्रैवल एजेंसी भी आ गया जी, आजी ट्रैवल्स, हाँ ये सारी चीज़ें ताकि लोग इसको देख के अट्रैक्ट हो वो कि क्या काम करती है एजेंसी वगैरह। इनमें आपको कुछ समझ आ रहा हो, आप वहाँ से भी उठा सकते। अब हम लिखते हैं ट्रेंडिंग, क्योंकि ट्रेंडिंग तो हर कोई सर्च करता है ऑलमोस्ट, इसकी भी देखें रेटिंग काम है 30 से ज़्यादा है, तो हम इसको उठा लेंगे, ये बाकियों के काम है, ठीक है। तो ये हो गया जी, इसके अलावा और क्या हो सकता है, सो बॉक्स, क्योंकि मेरी रेटिंग है और मेरी रेटिंग देते हैं 52, यानी अच्छा स्कोर है मेरा, सर्च वॉल्यूम भी अच्छा जा रहा है मेरा, ये भी हम उठा लेंगे। देखें साइड पे आपके भाई के सारा इन्फॉर्मेशन आई हुई है, दूसरा ध्याना रोमा वाला ध्याना एंड सैंड एंड स्लाइम भी आया हुआ, तो ये भी सेट चल रहा है। ये इतने पे हम फिलहाल साथ, अब चुके हमने ये नया बनाया, हम इसका नाम रखते हैं सो बॉक्स ट्रैवल, इसको हम कैपिटल में नहीं लिखेंगे, हम इसको नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर हम इसके स्टार्ट में कोमा डालें ना तो ये टैग बन जाता है, लेकिन हम इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। और लिखेंगे हम सो बॉक्स ट्रेवल जुड़ा हुआ, ठीक है, ताकि वो जुड़ा वाला यूज करे तो ताकि आपके टैग की भी वैल्यू बने, ठीक है जी। 9 to, अब इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है, 12 हम ये सारा हो गया। 8 के लिए अब क्या इस पे और हम काम करें। अच्छा जी, अब ये हो गया हमारा काम। अच्छा, उसके बाद लैंग्वेज, लैंग्वेज हमने नहीं सेलेक्ट करनी, हमेशा उसको खाली छोड़ दिया करें तो बेहतर है, वरना लोग सर्च के मुताबिक कर रहे होते थे, कभी इसका लेसेंस ना चेंज करें, स्टैंडर्ड यूट्यूब लेसेंस पे रहने दें इसको, जैसे वह जैसा है वैसे वैसे छोड़ रहे हैं आप।
और ये सारी चीज़ों को आपने नहीं करना, ताकि ये देखना पब्लिश सब्सक्रिप्शन फीड, ये बड़ी अच्छी अच्छी ऑप्शन हैं कि नोटिफाई सब्सक्राइबर्स का शॉर्ट रिमिक्सिंग को भी अलाउड कर दें, मिक्स करें लोग आपकी चीज़ों को। उसके बाद इसमें आपने क्या सिलेक्ट करना है ये आपकी मर्ज़ी, इसमें ऑटो वेहीकल एंटरटेनमेंट ये ज़रूर चैट जीपीटी से गूगल कर लें। जैसे मेरा ट्रैवल एनिमेट्स में आ रहा है, मैं ट्रैवल एनिमेट सेलेक्ट कर लूँगा, ये समार आ जाता है उसमें एंटरटेनमेंट में। उसी तरह जो स्केचिंग है वो भी हाउ टू में भी आ जाता है और एंटरटेनमेंट में भी आ जाता है। खैर बाकी चीज़ों को हमने छोड़ देना, अब हम जाएंगे सारा ये मैंने आपको अब हम थंबनेल की तरफ सोचेंगे कि हमारा क्या टॉपिक है, क्या चीज़ है, उसके हिसाब से अब हम थंबनेल करेंगे। तो ये सारा कुछ जो है ना इसमें डिपेंड।